थाने सरकार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं महेश मूलचंदानी एक नए मुद्दे के साथ आपको जानकारी देते हैं कि 23 जुलाई के दिन उल्लासनगर में मनीष नगर में रहने वाली नीता पंजवानी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जानकारी ऐसी मिली है कि एफडीआई की निरीक्षक निष्कंदा किरण ने मध्यवर्ती पुलिस चौकी में एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जो कोरोना काल में संकट के समय जो स्टेशन लगाई जाती है टोसली जुबाब, उसकी कालाबाजारी हो रही थी। उसके बाद पुलिस हरकत में आई और मनीष नगर में करीबन रात को 7 और 8 के बीच में वहां पर पुलिस पहुंची और वहां पर नीता पंजवानी को वहां पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद व्यापारी सेल के अध्यक्ष नरेश दुर्गानी वहां पर पहुंचती है और उन्होंने वहां पर आए हुए पुलिस अधिकारियों से बात की और नरेश दुर्गानी ने आमदार कुमार आलानी को फोन करके इसकी पूरी जानकारी दी और आमदार ने आए हुए वहां पर पुलिस अधिकारी से बात की। उसके बाद टीओके पार्टी के प्रवक्ता कमलेश निकम ने ऐसा आरोप लगाया आमदार कुमार आलानी के ऊपर और नरेश दुर्गानी के ऊपर। उन्होंने कहा कि उस महिला आरोपी को गिरफ्तार करने के जगह उनका बीच बचाव करके उन महिला को बचाया जा रहा था। ये भाजपा पार्टी के आमदार कुमार आलानी ने ऐसा वहां पर आए हुए पुलिस अधिकारियों को ऐसा आदेश दिया। इसकी जानकारी सुनते हुए हमने आमदार कुमार आलानी से बात की। उन्होंने सारी बातों का खंडन किया और कहा कि विरोधियों को कोई काम नहीं, केवल उनका मेरा प्रचार करना ही आता है। तो आइए जानते हैं क्या कहते हैं टीओके पार्टी के प्रवक्ता कमलेश निकम और आमदार कुमार आलानी। इनके बातों की शब्दों की जंग सुनकर आप चौंक जाएंगे और जानेंगे सच क्या है। थाने सरकार न्यूज। कमलेश जी, ये जो पंजवानी का जो मामला है इंजेक्शन का, इसमें काफी लोगों ने कुमार आलानी के ऊपर, नरेश दुर्गानी पर इल्जाम लगाए हैं कि वो भी दोषी है। क्या कहना है आपका इसके विषय में? देखिए, जो कल उल्लासनगर में एक दो दिन पहले जो पुलिस विभाग की रेड थी और मनीष नगर में पंजवानी नामक महिला के ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की और कार्रवाई की कि जो इंजेक्शंस जो कोरोना मरीज को लगते हैं, कोरोना पीड़ितों को लगते हैं, आज हमारा शहर बहुत संकटों से गुजर रहा है। उस संकटों से उभरने के लिए हमारे आयुक्त जी, महापौर जी, ओमी कलानी जी, सभी हमारे नगर सेवक जी, राजेंद्र चौधरी जी, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं उसके ऊपर कि कैसे हमारा शहर कोरोना से मुक्ति दिला पाए। एक तरफ हम कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए हम शहर में काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो पंजवानी नामक जो महिला है वो 3 नंबर के मनीष नगर पर रहती है, उन्होंने जो 30,000 के इंजेक्शन वो लाखों रुपए में शहर वासियों को ब्लैक मार्केट में बेचा गया। क्या उल्लास, क्या उनके जो पति है, उनके पति सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष माने जाते हैं, पूरे दुबई, हांगकांग, सिंगापुर, मॉरिशस ऐसी जगहों पर जाके सिंधी सम्मेलनों को वो संबोधित करते हैं। एक तरफ सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया को केंद्र की सरकार निधि देती है, करोड़ों रुपए के खर्चे से ये घूमते हैं और सिंधी समाज को संदेश देते हैं। आज वो संदेश देने वाले लोग सिंधी समाज के साथ में ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, 30,000 का इंजेक्शन लाखों रुपए में बेच रहे हैं। क्या पुलिस ने बहुत जबरदस्त तरीके से कार्रवाई की है? और जब कार्रवाई करते हुए हमारी ये मांग है कि जब पत्नी ने बेच रहे थे तभी उसके अंदर पति का भी इन्वॉल्वमेंट था, पुलिस विभाग से हमने मांग की है कि पति के ऊपर भी कार्रवाई की जाए। जब वो ये पूरा प्रकार वहां पर घट रहा था उस वक्त पे वहां पर व्यापारी भाजपा सेल के जो अध्यक्ष नरेश दुर्गानी वहां पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस के ऊपर दबाव तंत्र बनाने का वहां पर किया कुमार आलानी और नरेश दुर्गानी ने। नरेश दुर्गानी और कुमार आलानी के व्यापारियों के सपनों के सौदागर है। क्या ये सपनों के सौदागरों ने उल्लासनगर के साथ में क्या खिलवाड़ किया है? उस दिन जाकर उनको बचा रहे थे, जो भ्रष्टाचारी रहता है उसको यदि कोई बचाता है तो वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी उल्लासनगर में माना जाता है, ये पूरे देश विदेश में माना जाता है। इस तरीके का कुमार आलानी ने घिनौनी हरकत की है। हमारी मांग है, राज्य के आदरणीय ओमी कलानी जी ने मांग की, राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब से, आरोग्य मंत्री राजेश टोपे साहब से, कि दोनों जो जिन लोगों ने बचाने का कार्य किया था उन दोनों के ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके पति को भी जेल के सलाखों में भेजना चाहिए, क्योंकि ऐसी घिनौनी हरकत, आज तक शहर का आमदार लापता रहा और जब आया तो ब्लैक जो मार्केट इंजेक्शन के बेचे जा रहे थे उनको उनको सपोर्ट किया, उनको कुछ तरीके की कार्रवाई नहीं की। तो महाअघाड़ी सरकार की आज महाराष्ट्र राज्य में, तब जाकर उनके ऊपर कार्रवाई हुई। मैं पहले बात तो सरकार का, पुलिस का, मैं अपने पक्ष और पार्टी की तरफ से धन्यवाद करता हूँ और टीम ओमी कलानी के माध्यम से मैं मांग करता हूँ कि ये कुमार आलानी और नरेश दुर्गानी है, इन दोनों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, दोनों का आरोपी बनानी चाहिए। और जो वॉइस रिकॉर्डिंग है, जो मैंने कल सोशल मीडिया पर देखा, वॉइस रिकॉर्डिंग में हमने नहीं की, अब ये कहेंगे कि ये राजनीति है, हमने नहीं की है। ये जो वॉइस रिकॉर्डिंग है ये भाजपा के एक बड़े नेता ने की है,
भाजपा के ही नेता का उसमें आवाज दिख रहा है, तो भाजपा के नेता को जब लगा कि हमारे शहर में हमारे पार्टी का जो आमदार है वो गद्दारी कर रहा है, शहरवासियों से कहा नहीं तो गुमराह कर रहा है, शहरवासियों को बेच रहा है, शहरवासियों को और खड्डे में डालना चाहता है, इसलिए मैं टीम ओमी कलानी के पक्ष के माध्यम से हम कार्रवाई करते हैं, हम मांग करते हैं और कार्रवाई की भी मांग करते हैं और मांग करते हैं कि नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा देकर शहरवासियों को न्याय मिलना चाहिए। धन्यवाद। मगर कल एक वाक्य हुआ था, एक पंजवानी नाम का व्यक्ति जो सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया से वास्ता रखता है, उनके घर पे पुलिस की रेड पड़ी और जो कोरोना में इलाज के लिए जो इंजेक्शन मंगाई जा रही है उस इंजेक्शन की उन्होंने ऐसा कुछ बताया कि 40,000 की 60,000 में बेच रहे थे। उन्होंने एक आपको फ़ोन करके फरियाद की कि आप मुझे हेल्प करो, आपने वहाँ पर फ़ोन की, ये क्या माजरा है, किस प्रकार का वाक्य है, ज़रा बताइए। पहली बात तो मैं सभी शहरवासियों का धन्यवाद अदा करूँगा जिनकी वजह से मैं आज कोरोना से मुक्त हो गया। आज सभी संतों महात्माओं शहरवासियों की आशीर्वाद से मैं बम्बई हॉस्पिटल में था, वहाँ से ठीक हो के आज मैं घर पे आया हूँ। आज मुझे घर पे 8 दिन हो गए। कल जो आपने बताया कि वाक्य हुआ था, मुझे कल रात को फ़ोन आया था नरेश दुर्गानी जी का कि प्रकाश पंजवानी जी के घर पर पुलिस आए और कुछ ड्रग्स वाले आए थे और उनको पूछ रहे हैं कि आप इंजेक्शन वगैरह सेल करते हैं। मैं बोला नरेश भाई मुझे कुछ आइडिया नहीं है कौन आया है क्या है, ना ही मेरा पहचान वाले हैं, फिर भी आप जो कहते हैं मैं उनको कहूँगा कि इंक्वायरी कर ले वे, जो भी जांच हो, जो राइट है तो राइट कर ले वे, गलत है गलत कर ले वे। तो मैंने उनको कहा कि इस बात में मुझे अगर इंटरफेयर मुझे करना नहीं है, क्योंकि अभी पुलिस पहला तो उसकी जाँच करे और जांच में जो भी निकलेगा राइट होगा तो राइट, गलत होगा तो गलत, उसके बाद में अपन उसके ऊपर जो भी होगा डिपार्टमेंट उसको कहेंगे कि इंक्वायरी अच्छी तरह से कर ले। तो मैंने किसी ऑफिसर से कोई बात नहीं की, ना ही ड्रग्स वालों से बात की। ये जो हमारे विरोधियां हमेशा मेरे विरोध में कुछ ना कुछ इशू बनाते रहते हैं, अगर हॉस्पिटल में एडमिट होता हूँ तो कहते हैं इसको कोरोना हो गया, ठीक है अभी उनके पास कुछ काम धंधा है नहीं, उनको एक ही इश्यू दिखता है आमदार को मारा लेनी आमदार को मारा लेनी। जब से उन्होंने हारा है मैंने देखा है वो चुप करके नहीं बैठते हैं, व्हाट्सएप पे कुछ ना कुछ खिलवाड़ करते रहते हैं, मैं जाने दो करके छोड़ते रहता हूँ। आज वो भी आमदार थे, न जाने कितने टाइम थे, हमने कभी उनके साथ में कोई खिलवाड़ नहीं की, कभी न ही उल्टी पब्लिसिटी की। आज उनके पास कोई काम धंधा है नहीं, कोई पोस्ट है नहीं, आज मेरे लिए कह रहे हैं कि इन्होंने ऑफिसर लोग से बात की, उन्होंने वो लेडी को छोड़ने के लिए कहा, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। अगर कोई भी ऑफिसर अगर ड्रग्स वाला हो चाहे क्राइम ब्रांच वाला, अगर कोई भी प्रूफ देवे कि कुमारा लनी ने हमें कहा है उनको छोड़ने के लिए या उनको कुछ भी एक्शन ना लेने के लिए, तो भी मैं दोषी पाऊंगा। एज अ आमदार होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा फर्ज बनता है, किसी के ऊपर भी अगर पुलिस या ड्रग्स या कोई भी ऑफिसर आके उसके ऊपर कोई कार्रवाई करता है तो मेरा काम है उसकी इंक्वायरी करना। आखिर वो भी शहर के सिटीजन है, सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रह चुके हैं, उसके साथ में एक छोटी सी खिलवाड़ करके, ठीक है उनकी गलती हुई होगी मैं मानता हूँ, लेकिन जो भी पुलिस इंक्वायरी करेगी उसको सजा मिलेगी, नहीं है तो नहीं। लेकिन मेरे लिए या नरेश दुर्गानी भारतीय जनता पार्टी फेडरेशन का अध्यक्ष है उसके लिए ऐसा खिलवाड़ करना, मैं उनको कहूंगा कि ऐसी गंदी राजनीति ना करे। अभी कोरोना का समय चल रहा है, आदमी लोग पहले ही परेशान बैठे हैं, हर एक के घर में आसपास में कोरोना का कोई ना कोई पेशेंट निकलते ही रहते हैं। इस वक्त सभी लोग कोरोना से बिजनेस से परेशान है, सर्विस से परेशान है, पैसों से परेशान है और ये लोग एक बाजार में गलत मैसेज दे के आदमी लोग को हिरास करते हैं, ये हरकतें छोड़ दें।